हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडोवेस्ट किचन। आज हम इंडोवेस्ट किचन में बनाएंगे एक खास तरह से पास्ता। पास्ता तो आपने बहुत तरीके से बनाया होगा और बहुत तरीके का खाया भी होगा। मैं इसको इंडियन स्टाइल में बनाना बताऊंगी और मैं इसको कुकर में बनाना बताऊंगी। जब हम पास्ते को भगोने में उबालते हैं तो टाइम भी बहुत लगता है और उसको कई बार चेक करना पड़ता है। कई बार हमारा पास्ता ज़्यादा गल जाता है, चिपक जाता है, वो सब झंझट खत्म। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले पास्ता लिया है, मैंने पाइप वाला पास्ता लिया है। आप कोई भी पास्ता ले सकती हैं, सबकी विधि एक तरह से ही है। तो मैंने ये एक कटोरी पास्ता लिया है, करीब 120 ग्राम के आसपास है। सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे, कुकर में हम ये पास्ता डाल देंगे और फिर अब इसमें पानी डालेंगे। हम इसमें डबल पानी डालेंगे और थोड़ा सा नमक और 1/4 टीस्पून तेल डाल देंगे और इसका हम ढक्कन लगा देंगे और अब इसको हम 1 से 2 सीटी लगाएंगे। ज्यादा सीटी नहीं लगानी है, 1 सीटी में ही हो जाता है। अगर बाय चांस कभी 2 सीटी लग जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्ता हमारा उबल चुका है, हम इसको एक छलनी में छान लेंगे। देखिए इसमें सिर्फ 2 मिनट लगे हैं और पानी भी ज्यादा नहीं है और इसको चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये अच्छे से कट रहा है। ये देखिए, अब हम इसको साइड में रख देंगे। और अब मैंने ये सब्जियां ली हैं, ये मैंने रेड शिमला मिर्च ली है, लाल वाली शिमला मिर्च ली है, ये हरी शिमला मिर्च है, गाजर है, बीन्स है और 2 टमाटर हैं। 2 टमाटर को हम काट कर मिक्सी में पीस लेंगे और इनके लंबे लंबे टुकड़े कर लेंगे। 1 बड़े प्याज को मैंने लच्छों में काट लिया है। हम कढ़ाई में अब 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। सरसों का तेल इस्तेमाल ना करें, तेल को गर्म होने देंगे और इसमें हम ये प्याज कटा हुआ डाल देंगे। प्याज को हम भून लेंगे, प्याज को हमें लाल नहीं करना है। अब इसी में हम ये सारी सब्जी डाल देंगे। प्याज को हमें ज्यादा नहीं भूनना है। ¼ टीस्पून नमक डालेंगे और अच्छे से इसको हम चला लेंगे। चलाकर हम इसको ढक देंगे और गैस को सिम कर देंगे और करीब 3 से 4 मिनट हम इसको पकने देंगे। हमें सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं, सब्जी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। मैंने 2 टमाटर ये मिक्सी में पीस लिए थे, इनको डाल देंगे। और अच्छे से इसको हम चला लेंगे। ¼ टीस्पून हम इसमें कुटी मोटी लाल मिर्च डाल देंगे। आप अपने हिसाब से और ज़्यादा डाल सकती हैं। थोड़ा सा नमक और डालेंगे और इसको हम चला लेंगे। अब हम इसमें ये पास्ता डाल देंगे। ये देखिए, पास्ता हमारा बिल्कुल नहीं चिपका है कुकर में उबालने के बाद भी।
इसको हम अच्छे से मिक्स करें। अब ये मैंने 2 बड़े चम्मच मलाई ली है, मलाई को थोड़ा सा ऐसे 2-3 बार चला लिया है, इसको डाल देंगे। और अच्छे से इसको चला लें। अब इस पास्ते को आप ढक दें और ढककर 2 मिनट पका लें। पास्ता हमारा अच्छे से पक गया है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो पास्ता हमारा रेडी टू सर्व। पास्ता हमारा खाने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो है ना इजी बनाना।